विराट कोहली के क्रैम्प ने अनुष्का शर्मा को हिला कर रख दिया। वहीं पे पूरे यहाँ पे टीम इंडिया की धड़कने भी काफी तेज हो गई थी। एक्चुअल में ये हुआ कब और कैसे वही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 38वां ओवर की लास्ट गेंद, जब विराट कोहली स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे और उस समय विराट कोहली 92 रन पर खेल रहे थे। उसी समय जब उन्होंने एक स्ट्रोक खेला तो उसके ऊपर उनके जो दाहिना पैर है उसमें घुटने में क्रैम्प आ गया और इसी को देखकर अनुष्का शर्मा काफ़ी ज़्यादा हक्की भक्की रह गई। उनके रिएक्शन से पता चल रहा था कि वो यहाँ पे रियलाइज़ कर रही थी उसके दर्द को और इसके साथ साथ वो बताना चाह रही थी कि इस तरह से यहाँ पे क्रैम्प आया है। वहीं पर ड्रेसिंग रूम की तरफ जब कैमरा गया तो सभी के मुँह खुले के खुले नज़र आ रहे थे। सभी सोच रहे थे कि सेमीफाइनल मुकाबला है और इसके अंदर ऐसा क्रैम्प आना नहीं चाहिए किसी भी खिलाड़ी को, क्योंकि इससे पहले हमने सुमन गिल को यहाँ पे जो वापस जाते हुए देखा था वो भी बुरा था 80 रन के ऊपर। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।